देश की वो पांच सबसे हॉट सीट जिन पर मच रहा है सियासी घमासान, दांव पर लगा है बॉलीवुड सितारों का पूरा करियर, एग्जिट पोल के नतीजों ने कर दिया हैरान। एग्जिट पोल में मंडी से कंगना की बढ़ सकती है मुश्किलें, तो कलाकार से पवन सिंह का जलवा जला, मनोज तिवारी दिल्ली से लिखने वाले हैं इतिहास, तो मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही निरहुआ को लेकर भी बड़ा ऐलान। 2024 चुनाव की सबसे चर्चित सीटों के एग्जिट पोलों ने कर दिया सबको हैरान। आप भी वीडियो में देखें देश की सबसे वीवीआईपी सीटों का एग्जिट पोल। कमेंट में आप भी बताओ किसकी बन रही है सरकार। जी, लोकसभा चुनाव 2024 में कई सेलिब्रिटीज किस्मत आजमा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 1 जून को मतदान खत्म होने के बाद उनकी सीटों का एग्जिट पोल रिजल्ट सामने आ गया है। आइए आपको बताते हैं किस सेलिब्रिटी का क्या हाल होने वाला है, कौन चुनाव जीत रहा है और किसकी सीट फंसती हुई दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं मनोज तिवारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में मनोज तिवारी की जीत का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक उत्तर पूर्वी सीट पर दो बिहारी बाबू की लड़ाई में मनोज तिवारी कन्हैया कुमार पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, यानी कि मनोज तिवारी की जीत तय मानी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं पवन सिंह की। बिहार की काराकाट सीट से भोजपुरी सिंगर पवन सिंह निर्दलीय मैदान में हैं। उनके मुकाबले एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कहा गया है कि काराकाट सीट पवन सिंह के खाते में जा सकती है। वहीं कुछ एग्जिट पोल में उपेंद्र कुशवाहा, माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा और पवन सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का भी अनुमान लगाया गया है, यानी कि ये सीट अभी फंसी हुई है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट कंगना रनौत। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। उनके मुकाबले कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक कंगना रनौत इस सीट पर मजबूत दिख रही हैं और वही जीत दर्ज कर सकती हैं, यानी कि उनकी जीत को लेकर कोई शंका नहीं है। इसके बाद बात करते हैं निरहुआ की। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने भोजपुरी सिंगर एक्टर निरहुआ को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव मैदान में उतारे गए हैं। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं। अखिलेश यादव ने उनके लिए पूरी फील्डिंग सेट कर दी थी ताकि वो किसी तरीके से जीत दर्ज कर सके। धुआंधार प्रचार भी किया गया था। वहीं एग्जिट पोल में सीट पर कांटे की लड़ाई बताई गई है। वहीं कुछ एग्जिट पोल में तो निरहुआ का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, यानी कि अखिलेश यादव की सारी मेहनत पर इस सीट पर पानी फिर सकता है और उनके भाई की हार हो सकती है। इसके बाद अगली हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है, यानी कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल वो यहां से तीसरी बार मैदान में उतरी है। ज्यादातर एग्जिट पोल में हेमा मालिनी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंच सकती हैं। और इसके बाद एक और हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लेते हैं, रवि किशन की सीट। जी हां, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन एक बार फिर से मैदान में। एग्जिट पोल के मुताबिक रवि किशन यहां से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। गोरखपुर सीट वैसे भी बीजेपी का गढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भी रही है और उनका दबदबा यहां माना जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ी आसानी से योगी आदित्यनाथ इस सीट को रवि किशन को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। ऐसे में आप बताइए कि इन सीटों को लेकर आपका अनुमान क्या कहता है।